दोस्तों बार्सिलोना ने कांटे को रिजेक्ट कर दिया। ये कहानी कुछ नहीं है, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ बात करेंगे कैसे किमिक ने शायद बार्सिलोना को रिजेक्ट किया, या फिर किमिक रिलेटेड कहानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। विटर रोके एंड लैंगले जो है वो भाई साहब हो सकता है लॉन्ग ले बार्सिलोना छोड़ करके जाते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ब्रेडवेट भाई बहुत बड़ा क्लब खरीदने वाला है भैया, ला लीगा का कैसे ये चीज़ होने वाली है आज की वीडियो में, ये भी बात करेंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। आज की वीडियो में ज़्यादा खबरें नहीं थी, थोड़े से अपने लालीगा तरफ की खबरें ज़्यादा हैं, बट क्या करोगे कुछ दिन ऐसे भी आ जाते हैं। बाकी वीडियो को चालू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की वीडियोस लेकर के आते हैं। फुटबॉल की खबर एक चीज के साथ। सबसे पहले थोड़ा सा इधर उधर का बात कर लूँ, तो मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया था कल परसों के वीडियो में कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में माजर हुई और डिलेक्ट के लिए एक कंबाइंड डील का प्रपोजल रखी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड बायन के सामने। तो उस कंबाइंड डील का प्राइस टैग बाहर आ गया है, दे आर आस्किंग फॉर 70 मिलियन। 70 मिलियन दोनों के लिए, जो माजर हुई और डिलेक्ट को। तो अगर तुम 70 मिलियन को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 35-35 ईच आएगा, विच इज़ फाइन टू मी, लाइक काफ़ी अच्छा डील है इफ़ आई सी। तो अब देखते हैं इसके ऊपर क्या कहानी बनेगी, बट यस कहानी जो है वो टाइट हो रही है बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बायर्न टू गेट बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स अपने पास। 70 मिलियन में डिलिक्ट एंड माजर हुई, बहुत बेहतरीन डील इन माय ओपिनियन। आपकी क्या ओपिनियन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी अगले खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो कैसे यहाँ पे जो है वो भैया कांटे रिजेक्ट हो गए बार्सिलोना से। देखो वाइस वर्सा है, लाइक कांटे से लिंक्ड हो रही थी बार्सिलोना, एंड कहीं ना कहीं इतिहाद जो कांटे की क्लब है उन्होंने ये चीज़ कह दिया था कि हम कांटे को नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर कांटे जो एज पर सम रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करता है कि इम्प्रेस थे बार्सिलोना में हांसी फ्लिक के आने से और कई सारे स्पोर्टिंग चेंजेस होने से, साथ ही साथ कांटे ऑल्सो वॉन्टेड टू मूव टू यूरोप बिकॉज ही थॉट कि यूरोज में अच्छा खेला हूँ तो मैं यूरोप में कंटिन्यू कर देता हूँ, तो देर वॉज अ लिंक बिटवीन बार्सिलोना एंड कांटे हैपनिन, बट इतिहाद ने मना कर दिया था। ऑल दो बार्सिलोना जो एक समय अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी कांटे के लिए, वो आज की रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अपना इंटरेस्ट को पूरा खींच लिया है। द रीजन बीइंग हियर इज दैट हांसी फ्लिक ने ये बोल दिया है कि हम जो कोई भी पिविट साइनिंग होगी उसको हम लोग आफ्टर द प्री सीजन जो है वो देखेंगे, बिकॉज इस प्री सीजन में आई एम गेटिंग वेरी मच इंप्रेस्ड बाय कसाडो एंड बर्नाल। कल एल क्लासिको में आपने देखा ही होगा भैया दोनों का गेम प्ले, ब्रिलियंट गेम प्ले दोनों बंदों का, और दोनों बंदों के गेम प्ले को देख करके हांसी फ्लिक हैज डिसाइडेड कि ला मासिया के खिलाड़ी इनफ कर रहे हैं, जिनसे मेरे को लग रहा है कि अपन को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कांटे की। तो कांटे इस रिपोर्टेडली रिजेक्टेड बाय FC बार्सिलोना, जो वाइस वर्सा उधर से भी हुआ है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बार्सिलोना बहुत यू नो माहौल वाली क्लब है, प्लेयर्स को रिजेक्ट कर देते हैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट स्टिल बार्सिलोना ने जो एक आइडिया प्रपोज किया था कि कांटे को ले आएंगे, उस प्रपोजल को उन लोग जो है वो अभी स्क्रैप कर रहे हैं। एंड दे आर बैटिंग लाइक फिलहाल तो प्लानिंग ऑन टू बैट अपने ला मासिया के टैलेंट्स कसाडो एंड बर्नाल के ऊपर। बाकी कसाडो से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है हांसी फ्लिक। अगली खबर के ऊपर बताएं दोस्तों, और वो है क्या किमिक ने बार्सिलोना को रिजेक्ट कर दिया या फिर दूसरे क्लब्स को भी। तो ऑब्वियसली किमिक वाज आल्सो भैया रिलेटेड टू FC बार्सिलोना एंड मैनी अदर क्लब्स इन यूरोप एज वेल, प्रीमियर लीग के भी कुछ जो है वो क्लब्स, आर्सेनल इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाज भाई साहब लिंक्ड हैवली विद किमिक। बट किमिक ने जो है वो यहाँ पे अपने सभी ट्रांसफर प्रपोजल्स को जो है वो साइड रख दिया, एंड ही नाउ डिसाइडेड दैट मैं बायर्न के साथ ही रुक जाता हूँ। द थिंग हियर इज, मैं आपको बता दूं हुआ क्या, किमिक आल्सो वॉन्ट्स टू लीव FC बायर्न, he wanted to join any other club in Europe. एक ही सीजन जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट में बचा हुआ था, एंड अभी बायर्न में कहानी कुछ ऐसी चल रही है कि ऑल द यंगस्टर्स वांट्स टू लीव बायर्न बिकॉज सबको ये लग रहा है कि स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट में दम नहीं बचा हुआ है, एंड किमिक वाज वन ऑफ दोस गाय। किमिक की केवल एक ही साल जो है वो भाई बची हुई थी अपने डील में, तो मैन सिटी वाज आल्सो इंटरेस्टेड, बार्सिलोना वाज आल्सो इंटरेस्टेड फॉर अ वेरी ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम, रियल मैड्रिड वाज आल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड, एंड चेल्सी तो इंटरेस्टेड थी ही, नहीं चेल्सी नहीं सॉरी आर्सेनल तो इंटरेस्टेड थी ही। अब हुआ ये कि भाई अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली यू माइट से, कोई भी क्लब ने ऐसा ऑफिशियल जो है वो किमिक के लिए नहीं डाला, केवल इंटरेस्ट था और इंटरेस्ट बन करके ही रह गया। एंड एट द एंड किमिक अंडरस्टूड कि भाई अगर मैं अगले साल फ्री ट्रांसफर पे भी निकलता हूँ तो शायद मेरे पास बहुत ही कम वाइबल ऑप्शंस रहेंगे इन द मार्केट, बिकॉज जिनको इस मेरे पोजिशन को कवर करना है वो तो अलग अलग प्लेयर्स को ला करके कवर कर ही ले रहे हैं, तो भाई मेरे लिए कुछ जगह बचेगी नहीं अगले सीजन। एंड हेंस ही डिसाइडेड कि इट्स बेटर दैट आई स्टे विद बायर्न, एंड बायर्न ने जो है वो भाई मेरे को 20 मिलियन कुछ का जो है वो ऑफर रखा है टेबल में, तो आई सी टू इट एंड कुछ जो है वो बात करते हैं इसके ऊपर। तो ही इज विलिंग टू एक्सेप्ट द न्यू ऑफर विच इज भाई साहब गिवन बाय FC बायर्न, एंड उसको जो है वो भाई पूरे तरीके से पढ़ लिख करके ही हैज
as per reports decided to stay with FC Bayern. So he is not moving anywhere. एक ही साल ट्रांसफर में बचा हुआ था, अगले सीजन शायद फ्री में निकलता तो शायद कोई क्लब खरीद लेती, बट as per the reports right now he is ज़्यादा जो है वो भाई giving priority with to stay with Bayern. Anyways, अगली खबर के ऊपर बढ़ जाएं दोस्तों, तो वो है हमारे जो है वो भाई रोके, विक्टर रोके एंड लॉन्गले से रिलेटेड. सो एक खबर में मैंने आपको बताया था कि लॉन्गले से इंप्रेस है हांसे फ्लिक एंड ही वांट्स कि लॉन्गले जो है वो रुका रहे, बट डिस्पाइट ऑफ हिज इंटरेस्ट भाई बार्सोना इज यू नो विलिंग टू लेट लॉन्गले लीव. नाउ ऑब्वियसली देयर वर सम क्लब्स इंटरेस्टेड, विल्लारियल इज भाई साहब इंटरेस्टेड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लॉन्गले को जो है वो परचेज करने के लिए. तो ये कहानी आपको होते हुए इन नियर फ्यूचर देखने को मिल सकती है, बट विक्टर रोके की भी अब जो है वो बार्सिलोना में फ्यूचर काफी ज्यादा लिमिटेड नजर आ रही है. इन एल क्लासिको इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही हैज ओनली प्लेड 15 to 16 minutes, जिसके चलते जो है वो विक्टर रोके इज नॉट रियली वेरी हैप्पी एंड अपेरेंटली हांसे फ्लिक एंड बोर्ड इज ऑल्सो नॉट रियली वेरी हैप्पी विद वॉट दे आर सींग विक्टर रोके की तरफ से. नाउ देयर वर सम रिपोर्ट्स कि भैया विक्टर रोके के लिए सऊदी अरेबिया से अच्छे ऑफर्स बनाए गए थे. इतिहाद जो है वो भाई ऑफर करी है विक्टर रोके को 48 घंटे में दो बार, अच्छा ऑफर उसके सामने रखी थी, बट दोनों ऑफर्स को जो है वो विक्टर रोके ने ठुकरा दिया है. व्हाट ही वांट्स टू डू इज ही वांट्स टू स्टे विद एफसी बार्सिलोना सो दैट ही कैन भाई साहब इंप्रेस हांसे फ्लिक एंड गेट ओवर विद ऑल दीज र्यूमर्स और दी मिसकॉन्सेप्शंस अकॉर्डिंग टू विक्टर रोके, जो प्लेयर्स अपने मन में रखे हुए हैं कि भाई मैं अच्छा नहीं खेल पाता हूं, मैं अपना फॉर्म फाइंड कर लूंगा तो मैं इनको दिखाऊंगा कि मैं हूं क्या. अब ये चीज काम कर भी जाती, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि अभी बार्सिलोना का टैलेंट पाओ विक्टर इस भाई साहब प्लेइंग लाइक क्रेजी. एल क्लासिको में दो गोल, पिछले मैन सिटी वाले गेम में एक गोल, तो उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस खेल दिया कि अब अगर लेवेंडोस्की को सब्स्टिट्यूट करना भी है तो पाओ विक्टर से ही करेंगे, विक्टर रोके से नहीं करेंगे. एंड बार्सिलोना इज थिंकिंग कि जितना हमने इस बंदे के लिए इन्वेस्ट किया था अगर हमको उतना भी मिल जाएगा तो वी विल लेट हिम गो, बट विक्टर रोके वॉन्ट्स टू स्टे विद एफसी बार्सिलोना. पाओ विक्टर के जो है वो भाई अब कह सकते हो इमरजेंस से यहाँ पे विक्टर रोके की जो है वो कहानी को थोड़ा सा जो है वो फीकापन देखने को मिला है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद विक्टर रोके, तो अपन को फ्यूचर ही बताएगा. बट अभी फिलहाल के लिए इसका फ्यूचर थोड़ा सा लिमिटेड नजर आ रहा है एफसी बार्सिलोना अलोंग विद लॉन्गले. अगली खबर के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों, तो और वो है हमारा ब्रेट विद बाइंग एस्पेन्योल. नाउ दोस्तों दिस खबर केम आउट ऑफ नोवेयर बिकॉज ऑब्वियसली यू डू नॉट एक्सपेक्ट अ फुटबॉल प्लेयर लाइक ब्रेटवे बाइंग अ ह्यूज क्लब लाइक एस्पेन्योल. लाइक एस्पेन्योल इज अ ह्यूज क्लब इन स्पेन भाई, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी क्लब है, इट्स अ ह्यूज क्लब. एंड अपेरेंटली द रीज़न वाई ही इज भाई साहब बाइंग ये अपना जो है वो भाई एस्पेन्योल इज बिकॉज वो हैप्पी नहीं है उस क्लब से. जी मतलब ब्रेटवेट एस्पेन्योल में रहा है कुछ समय के लिए और वो वहाँ के बोर्ड से हैप्पी नहीं है, वो वहाँ के बोर्ड से नाराज़ है कि इन लोग ने मेरे को जैसा ट्रीट किया ना, मैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, हैंस मैं बदलना चाहता हूँ, इन लोगों को खरीद के इनकी औकात दिखा दूंगा. तो भाई ऐसा ब्रेटवेट कर रहा है एंड मेनी ऑफ द पीपल थिंक कि ब्रेटवेट जैसा खिलाड़ी के पास कितना ही पैसा होगा भाई, ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड, उसका कोई ऐसा प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी या कुछ तो है रियल इस्टेट में कहानी जिसमें वो इन्वेस्टर है और भाई ही इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर. वो फुटबॉल बींग रियली वेरी ऑनेस्ट पार्ट टाइम के लिए खेलता है, तो ही इज़ अ ह्यूज ह्यूज भाई साहब यू नो बिग गाय इन टर्म्स ऑफ भैया बैंक अकाउंट में कितना मेरा जो है वो राशि, एंड हेंस ही इज़ भाई लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय एस्पेन्योल. सो दोस्तों ये कहानी आपको होते हुए नजर आ सकती है. बाकी मैं मिलता हूँ अगले जो है वो वीडियो में आपके साथ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. आशीष के साथ टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम.